अब आप उनकी विश्वसनीयता देखिए, पहली बात वो जो बात कह रहे हैं उनके गठबंधन के साथ ही नकार रहे हैं, तो इससे बड़ा उनका झूठ क्या है कि जो उनके आरजेडी के नेता बोल रहे हैं उनके साथ ही उनको नकार रहे हैं, जिनसे बात हुई है प्रशांत किशोर वो उस बात को नकार रहे हैं, तो ये तो पूरी झूठ की फैक्ट्री लेकर के चल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय जो ये पार्टी है आरजेडी पार्टी है, इस आरजेडी पार्टी के पास बिहार का और किसी भी राजनीतिक दल का कोई विज़न और विकास नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस लोहिया जी के नाम को लेकर के लालू जी ने अपने आप को बताने की कोशिश करी है, उन्होंने तो लोहिया जी के एक भी कदम को नहीं माना। ना लोहिया ने जो कहा था कि लोकतंत्र आना चाहिए उसको माना, ना लोहिया जी जो परिवारवाद का विरोध करते थे उसको माना, ना लोहिया जी ये कहा करते थे कि हमारे समाजवादी दल में गरीब को सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता परिवार है। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसके कारण वो जेल के अंदर है, और आज तो उस परिवार में भी भाई भाई की नहीं मानता, तेजस्वी की बात तेज प्रताप नहीं मानते, तो दुनिया कहाँ से मानेगी। देखो एक दूसरे पे जो है ना, एक दूसरे का रंग चढ़ता ही है। आरजेडी पे कांग्रेस का रंग चढ़ गया है, कांग्रेस पे आरजेडी का रंग चढ़ गया है, तो जो आरजेडी झूठ बोल रही है उसको तो कांग्रेस नकार रही है, और कांग्रेस जो झूठ बोल रही है उसको देश के सैनिक नकार रहे हैं। तो ये तो सब अफवाह फैलाने कर और झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना तो इनको ज़मीन की वास्तविकताओं का पता है, ना देश को नया बनाने का संकल्प है। ये केवल ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से अफवाहों के बाजार को खड़ा करें और जीत जाएंगे। आरजेडी के पास कोई रिपोर्ट कार्ड है? आरजेडी बताएं कि बिहार में उन्होंने 15 साल राज किया तो बिहार की जीडीपी कितनी बड़ी थी? आरजेडी बताएं कि 15 साल उन्होंने राज किया था तो क्या बिहार के हर गाँव में बिजली पहुँची थी? आरजेडी बताएं कि 15 साल उन्होंने राज किया था तो बिहार में कौन से नए उद्योग धंधे आए थे? जिन्होंने सारी चीज़ों को चौपट कर दिया, जिनके पास अपनी कोई विरासत नहीं है, जिनके पास अपना कुछ बताने को नहीं है, वो इस तरह के झूठ बोल करके और अफवाह बोल करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता सच को जानती है, और सच ये है कि ये पूरा जो सारे दल हैं ये महामिलावट के रूप में है, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।